हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेशन 12। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज लिखेंगे, फिर हम स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करेंगे। रोल नंबर और नेम, हमने दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स लिए हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर को क्लास के बीच में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके मेंबर फंक्शन द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्लास के बाहर हम प्राइवेट डाटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेगा, और दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरी ऑब्जेक्ट में कॉपी करेगा। तो जब भी हम एक क्लास में एक से ज्यादा टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की एग्जाम्पल है। इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की भी एग्जांपल है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अनदर सेशन में। तो अभी आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अच्छे से ध्यान में रखना है। और क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? व्हेन वी यूज मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन ए क्लास देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम न्यू स्टूडेंट एंट्री के लिए भी मेंबर फंक्शन बना रहे हैं जो कि रोल नंबर और नेम की एंट्री कराएगा, और यहाँ पे शो नाम का भी हमने मेंबर फंक्शन लिया है जो कि फील्ड डिटेल को शो किया करेगा। तो क्लास को एंड करते हैं हमेशा सेमी कॉलन के साथ, और फिर यहाँ पे जब भी हमने क्लास का डेटा यूज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम S1 के लिए एंट्री करा रहे हैं, और फिर एंट्री कराने के बाद S1 का डाटा हम S2 ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं, और फिर S1, S2, S3 के डाटा को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रक्टर चलेंगे। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी कंपाइलर S1, S2, S3 ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली लाइन को रीड करेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है सिंपल कंस्ट्रक्टर को रन करेगा, जो क्या करेगा, जो S1 और S2, S3 को सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेगा। और दूसरा कंस्ट्रक्टर कब चलेगा? जब कंपाइलर S2 इक्वल टू S1 स्टेटमेंट को रीड करेगा। तो दूसरा फंक्शन, मेंबर फंक्शन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है, वो क्या करेगा, S1 की वैल्यू को S2 में कॉपी कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे S1, S2, S3 की वैल्यूज जो हैं वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। तो S1 के लिए एंटर की हुई वैल्यू शो होगी, S2 के लिए कॉपीड वैल्यू शो होगी, S3 के लिए डिफॉल्ट जो हमने इनिशियलाइजेशन करने वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया उसकी वैल्यू शो होगी, 100 और नो वैल्यू शो होगी। तो आज के सेशन में इतना ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे एंड करते हुए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू।